नमस्कार। इजी खाना बनाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज मैं लेके आई हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, जिसमें ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये बहुत ही हल्की फुल्की भी है। आप जब मर्जी इसको बना के खा सकते हैं। ये है चावल का आटा। ये देखिए, 1 कप मैंने लिया है चावल का आटा। ये देखिए, इसमें ज़्यादा तेल या ज़्यादा उसकी भी जरूरत नहीं होगी। ये है मेरे पास वार्म वाटर। ये हल्का सा कोसा किया है मैंने, हल्का सा गर्म किया हुआ है। बस इसमें से आधा कप ही लगेगा, या मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ। इसमें मैं कोई मोये नहीं है, कुछ नहीं डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ सिर्फ आधा चम्मच, ये देखिए, आधा स्पून नमक। बस इसको मैं करूँगी मिक्स। इसमें कोई मोये नहीं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गर्म पानी है, क्योंकि चावल का आटा गर्म पानी में भिगोने के बाद ना, मलने के बाद थोड़ा फूल जाता है। तो मैं इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट सी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, रोटी से, मतलब रोटी जितनी कह लीजिए, रोटी जैसी एक डो बना रही हूँ, लेकिन इसको गर्म पानी से मल रही है मैं। गर्म इतना मत रखिएगा कि आपके बाद में, मैं भी हाथों से करूँगी इसको, कि हाथों को गर्म लगे। ये देखिए, बस मिक्स हो गया। अब इसको मैं कर रही हूँ हाथों से थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स, जैसे हम आटा मलते हैं ना रोटी का, बस बिल्कुल वैसे ही। बस ये देखिए, मैंने 1 कप चावल का आटा लिया और ये आधा कप में हो जाएगा। इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ी देर रखूँगी। फिर अगर मुझे लगा कि हार्ड हो गया, फिर मैं देखूँगी कि मुझे और पानी की जरूरत है कि नहीं। बस एक सॉफ्ट सी डो बन गई है, देखिए। ये देखिए, इसको इकट्ठा अच्छे से करके, इसमें मैंने तेल या मोयन या कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ नमक डाला है। ये देखिए, ये एक डो हो गई है तैयार। मैं आपको इसका, देखिए, ये ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा हार्ड है। इसको मैं रखूँगी 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। ये देखिए, जब तक तो आटा हमारा रखा हुआ है रेस्ट पे, ये मैंने लिए कढ़ाई, आँच में ऑन कर रही हूँ। कढ़ाई हमारी सूखी हुई है। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के तेल के। इसमें मुझे, देखिए, ये मैंने लिए 1 किलो आलू, जिनको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश करके रखा हुआ है। अगर अच्छे से मैश नहीं हो रहे तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैशर से अच्छे से मैश करके रखा हुआ है। ये देखिए, बस अब तेल हमारा गर्म हो गया। मैं डाल रही हूँ जीरा, मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पिंच हींग। अगर आप हींग खाते हैं तो डालिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, मत डालिए। अब मैं आज थोड़ा धीमी कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से हमारा मसाला जल जाएगा। मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। देखिए, 2 से 3 चम्मच भर के मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारा चाट मसाला, ये मैं सब इकट्ठे डाल रही हूँ। ये है हमारा गरम मसाला, जो 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं। ये है सिंपल पिसी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें। ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है, मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 चम्मच भर के, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। अब ये देखिए, मसाले मैंने डाल दिए हैं। मसाले ताकि जले ना, उसके लिए मैंने इसको धीमी इस पे रखा हुआ है, आँच पे। ये देखिए, बस अब मैं डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने पहले नहीं डाली, नहीं तो वो जल जाती है अब तक। ये देखिए, अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ कड़ी पत्ते। ये देखिए, खूब सारे कड़ी पत्ते 2 चम्मच भर के काट के मैंने डाले हैं। बस हल्का सा इसको करके चला के अब मैं डाल रही हूँ ये आलू, जिनको मैंने उबाल के अच्छे से मैश करके रखा हुआ है। ये करीबन 1 किलो आलू है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इनको 5 मिनट के लिए, मैं 5 से 7 मिनट इनको भूनूंगी। मैं सिम पे आँच कम रख के इसको मैं भूनूंगी, इसमें बढ़िया टेस्ट आएगा। जैसे समोसे में होते हैं ना आलू, बिल्कुल सेम ऐसा टेस्ट आएगा आपको। ये देखिए, कितना बढ़िया मसाला हमारा अच्छे से मिक्स करके, ये
देखिए अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, मैं 1 चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने छौंके में इसलिए नहीं डाला था शुरू में कि एकदम से हमारा छौंका ना लगने लग जाता है नीचे। नमक मैं अब डाल रही हूँ, ये देखिए मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। बस मैं मिक्स करती जाऊंगी और ये थोड़ा पकते जाएंगे, पके तो हुए हैं लेकिन भूनते जाएंगे, आलू थोड़े भून जाएंगे हमारे। और तो जो भुने हुए आलू का टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही बढ़िया होगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया हमारे मसालों के बाद, आलू हमारे कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से भून गए हैं, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इनकी। अच्छा इसमें मैंने अदरक नहीं डाला, अदरक मैं डालूंगी लास्ट में। अगर आप चाहें तो इसको चौंके में भी डाल सकते हैं जब आपने चौंका किया था, लेकिन ऐसे कस के लास्ट में डालूंगी। इसका ना जो क्रंच होता है ना लास्ट में, जो खुशबू और टेस्ट आता है ना तो बिल्कुल अलग आता है। अगर आप चाहें तो इसको अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं शुरू में आप चौंके में, लेकिन मैं ये लास्ट में डाल रही हूँ। और अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, मत डालिए। ये देखिए बस मैंने आंच कर दी है बंद। जब ये ठंडे होंगे आज की रेसिपी हमारी तब भी बन पाएगी। ये देखिए ये ठंडे हो जाएं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमने आलू भून के रखे थे ना वो हमारे हो गए ठंडे। देखिए कितने बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं ये, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। जैसे आप समोसे के आलू खाते हो ना बिल्कुल वैसे बनी है ये। अब मैं बना रही हूँ इसकी मीडियम साइज की बॉल्स, बहुत बड़ी मत बनाइएगा। ये देखिए बस ऐसे ये बॉल्स में बना लेती हूँ इसकी ऐसे। ये देखिए ऐसे इसके तेल वगैरह हाथ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आलू जो भुने थे ना तो उसमें हमने जो तेल डाला था ना बस ये उसी से हो जाएगा। ये देखिए बॉल्स हमारी सारी बन गई हैं। अब मैं ये मैंने आधा कप चावल जो मैंने ना 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए थे, ये देखिए ये भीगे हुए चावल है, इनको भिगोना जरूरी है इस डिश के लिए। ये 3 से 4 घंटे जब भीग जाएंगे ना तो ये देखिए कैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे ऐसे। ये देखिए इनको मैं छान के ले रही हूँ। देखिए जो मैंने चावल भिगोए थे ना उनको मैंने छान के अच्छे से ये मैंने डाल लिया इस प्लेट में, इनको मैं अभी यूज करूंगी। ये वो चावल का आटा है ना जो मैंने पहले शुरू में मल के रखा था ना, ये देखिए बस इसी की मैं आलू की मैंने गोल गोल थोड़ी बॉल्स बना के रख ली है। अब मैं इसमें से लूंगी आटे का थोड़ा सा पार्ट। ये देखिए इसको हाथ से हम करेंगे थोड़ा सा चौड़ा, आप अगर चकले बेलन से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। मैं इसको हाथ से बढ़ा रही हूँ क्योंकि चावल का आटा थोड़ा सा जल्दी टूटता है, तो इसको थोड़ा आराम से करें। बस इसमें एक जो हमने आलू की वो बना के रखी है ना बॉल्स, इसको बीच में ऐसे रख के बस इसको ऐसे फोल्ड करके गोल। ये देखिए ये ऐसे हमने बॉल बना दी है। थोड़ा सा अगर कहीं पे तिड़क रहा है तो कोई बात नहीं, हमने इनको फ्राई नहीं करना है। अगर कहीं पे हल्का बहुत फट भी जाता है ना तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी डिश में। ये देखिए ऐसे ही मैंने ये एक आटे की बॉल ली, ये चावल का आटा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ये मैं ले रही हूँ आलू की बॉल जो मैंने बना के रखी है भुने हुए आलू से, ये इसको ऐसे फोल्ड करके बस एक गोल ऐसे करके। ये देखिए ये हमारी बन गई है एक बॉल टाइप, इसको मैं ऐसे ही सारी बॉल्स बना लेती हूँ। ये देखिए बॉल्स हमारी बन गई हैं। अगर ये कहीं से फटी हुई है तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमने इसको सिर्फ स्टीम करना है, इसको हमने तलना नहीं है कि ये फट के तेल में चली जाएंगी। ये हमने लिए हैं भीगे हुए चावल, इनसे मैं बना रही हूँ। ये मैं ले रही हूँ एक इडली की कढ़ाई, जाली है उसी में मैं इनको स्टीम करूंगी। मैं इसको कर रही हूँ ग्रीस, इसको ग्रीस करके रख लेती हूँ। ये देखिए कढ़ाई मैंने रख दी है, पानी हमारा भी उबलने लगेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ ये स्टीम करके बनेगा हमारा नाश्ता, बहुत ही हेल्दी टेस्टी और लुक भी बहुत अच्छी होगी इसकी। ये देखिए ये मैं उठा रही हूँ एक बॉल, इसको मैं चावल जो हमने लिए ना भीगे हुए चावल बस उसी में ऐसे ही चला रही हूँ। देखिए गोल गोल, ये देखिए अपनी मर्जी से जितने उसके ऊपर चावल चिपक जाते हैं, मैं उसको दबा नहीं रही हूँ ज्यादा। ये भीगे हुए चावल ये अच्छे से फूले होने चाहिए चावल, तभी आपका नाश्ता अच्छा बनेगा। ये देखिए ये मैं रख रही हूँ इसमें जो हमने कढ़ाई को रखा है हमने ग्रीस करके, ये मैं ले रही हूँ दूसरी बॉल। ये ऐसे ही ये देखिए मैं इस पे अच्छे से
जो भीगे हुए चावल है उनको कोट कर दूंगी। ये देखिए ऐसे ही सारी बॉल्स को मैं इन भीगे हुए चावल से कोट करके रख रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स कोट करके चावल से ये रख ली है मैंने। अब मैंने कढ़ाई रखी हुई है, मैं लेके जाती हूँ कढ़ाई में। ये देखिए कढ़ाई रखी हुई है मैंने, इसमें लिया पानी, पानी हमारा उबल रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ, अगर आप इसमें डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं ना इसको, देखिए मैं आज रख के आपको दिखा रही हूँ, मैं तो ऐसे रख रही हूँ, लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं रख सकते ना, तो आप पहले इसमें ये ट्रे पहले रख दीजिए, और जो आपने डालना है ना इसमें तो वो बाद में डालिए, वो जरा सेफ रहता है। इसको मैं ढक के 20 मिनट स्टीम करूंगी, 20 मिनट में हमारा नाश्ता बन के हो जाएगा तैयार। ये देखिए मैंने रख दी है, वही 20 मिनट तक हमारा मैंने आँच रखी हुई है, फुल पे ये 20 मिनट में हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। ये देखिए नाश्ते को हमारे 20 मिनट हो गए पकते हुए, मैं इनको चेक कर लेती हूँ। देखिए इसके ऊपर जो मैंने चावल लगाए थे ना भीगे हुए, बस उसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से गल गए हैं पूरे, नाश्ता हमारा तैयार हो गया। इसको मैं 2 से 3 मिनट इसी में स्टीम में ऐसे छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसको निकाल लूंगी। ये देखिए नाश्ता मैंने निकाल लिया बोल में, अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूंगी, उससे टेस्ट भी आएगा, गार्निशिंग से अच्छी भी लगेगी। ये देखिए ये मेरे पास है पिसा हुआ सूखा पुदीना पाउडर, हल्का हल्का सा मैं ये डाल रही हूँ, आपके पास आया तो डाल लें, नहीं तो ऑप्शनल है। ये है चिली फ्लेक्स, अगर आपको बच्चों को देना है तो चिली फ्लेक्स ना डालें, अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा और थोड़ा सुंदर भी दिखेगा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं हमारे बॉल्स, ये बनाए हमने चावल के आटे से, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए अभी मैं आपको एक पीस काट के भी दिखाती हूँ, देखिए हम कर लेते हैं प्लेटिंग में, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, जितने देखने में सुंदर है ये खाने में भी उतने ही सुंदर है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके कि रेसिपी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे बॉल्स, ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ एक आपको, ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बनता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से पूरा पका हुआ अच्छे से, ये देखिए ना हमने इसको तला है, ना हमने इसको फ्राई करा, ना हमने ज्यादा तेल डाला है, ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता, अब वो भी बहुत कम टाइम में अब बन के तैयार हो जाएगा। स्टीम में बस एक बार आप रख दीजिए, उसके बाद आप 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अगर आपको अच्छा